एक क्वेश्चन सभी के मन में होता है कि YouTube से अर्निंग कितनी होती है। देखो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि YouTube पे बहुत सारी वीडियो है इस टॉपिक्स पर कि YouTube से अर्निंग कितनी होती है, कैसे होती है। ओके, वो फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एक YouTube क्रिएटर है तो तब भी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको अर्निंग कम हो रही है तो कैसे आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली आपको पता होगा कि YouTube की अर्निंग जो डिपेंड करती है RPM। अब RPM क्या है? रेट पर थाउजेंड, जिस पर आपको पैसा मिलता है। अब इंडिया में RPM का प्राइस 5 से 6 और मैक्सिमम 250 से 300 रुपये होता है। ओके, अब आपके मन में क्वेश्चन ये होगा कि अब्दुल भाई हमें कितनी अर्निंग होगी अगर हम YouTube पर वीडियो बनाते हैं, ओके मोनेटाइज हमारा अनेबल है और हमें 1000 व्यूज आते हैं तो कितनी अर्निंग होगी। तो वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ में दिखा देता हूँ कि मेरे को कितनी अर्निंग होती है, कौन सी वीडियो पे कितनी अर्निंग होती है। वो चलिए वो मैं सब कुछ आपको दिखा देता हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं, बिना स्किप करे वीडियो को देखना अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर है, अगर नहीं है फिर भी देख लेना। ओके, अगर आप यूट्यूब पर आने के लिए सोच रहे हैं, यूट्यूब क्रिएटर बनने के लिए सोच रहे हैं, तो बिल्कुल फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा और फिर उसके बाद में यूट्यूब चैनल चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। तो ये वीडियो पर मेरे आई हैं 3444 व्यूज आई हैं। ओके, काफ़ी अच्छे व्यूज हैं। तो इस पर मैं आपको दिखा देता हूँ अर्निंग मुझे कितनी हुई है। लाइफ टाइम अर्निंग में जाएगी, लाइफ टाइम अर्निंग में आप देख सकते हैं $2.67। ओके, तो अब मैं यही वीडियो दिखा देता हूँ, 2218 व्यूज आए हैं दूसरी वीडियो पर, और इसकी अर्निंग दिखा देता हूँ मैं। तो इसकी अर्निंग आप देखोगे कि $0.01। अब बोलोगे अब्दुल भाई व्हाट, ये क्या है, मतलब इतनी कम अर्निंग इस पे कैसे और उस पे ऐसे कैसे। तो चलिए फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है हमारे RPM पर। तो इस पे लिमिटेड मेरे व्यू है, ओके सॉरी लिमिटेड एड्स है। अब लिमिटेड एड्स जो येलो कलर का आपका साइन आ जाता है डॉलर की जगह, तो उस केस में आपको अर्निंग बहुत ही डाउन पहुंच जाएगी आपकी। ठीक है, बहुत ही डाउन से मतलब आपको मैं बताऊं कि बहुत ही उस पर अर्निंग होगी ही नहीं आपको। ओके, अब ये क्यों आता है, देखो ये फ्रेंड्स इसमें ये इसलिए आता है, या तो आप कुछ हैकिंग ट्रिक्स बता देते हैं या फिर कुछ आप ऐसा कंटेंट यूज़ कर लेते हैं जो YouTube पॉलिसी के खिलाफ है, तो उस केस में भी आपको ये आ जाता है। ओके, इसके लिए हाँ आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं YouTube से, तो अगर आपकी वीडियो फिर सही हुई तो वो बिल्कुल आपका जो है ग्रीन टिक कर देगी, यदि नहीं है तो ये जो है आपका येलो होगा। तो फ्रेंड ये गलती से भी कर देता है YouTube, तो आप इसे जो है एक बार कर सकते हैं रिक्वेस्ट, तो बिल्कुल आपका एक ग्रीन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि RPM का खेल कि क्या होता है। देखो जरूरी नहीं होता कि 1000 पर $1 बने, ऐसा नहीं है। मैं इसका प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। चलिए फिर मेरी ये एक वीडियो है जिसमें 10477 व्यूज है। अब इसका मैं लाइफ टाइम रेवेन्यू दिखा देता हूँ कि कितनी मुझे अर्निंग हुई है इस पर। लाइफ टाइम पे जाएंगे तो $15.79 मेरे को यहाँ पर अर्निंग हुई है। अब बोलोगे कि मेरे तो 10000 व्यू है, $15 कैसे हो गए, तो $1 तो नहीं है, उससे ज़्यादा बन रहा है मेरा और उस वीडियो पर जो इतने डाउन है, ऐसा क्यों। देखो फ्रेंड्स होता सिंपली ये है, ये RPM जो है ना इसके ऊपर है सारा खेल। अब देखो आप ये सोच रहे होगे कि हमें फिर अर्निंग कैसे बढ़ानी है अब्दुल भाई अगर हम वीडियो बनाते हैं। देखो सिंपली अगर आपका कोई इंटरटेनमेंट चैनल्स है, वीडियो फनी वीडियोज बनाते हैं, तो उसका RPM जाता है सिंपली 5 से 20 के बीच में। ओके, अब 5 से 20 के बीच में, और टेक चैनल का भी आपको 5 से 20-25 के करीब में इतना मिल जाएगा। ओके, यदि आप अपने अर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, YouTube पर एक फीचर्स है, यदि आप 8 मिनट की वीडियो बनाते हैं, मिनिमम आपकी 8 मिनट की होनी चाहिए, फिर आप उस केस में अपनी वीडियो में मल्टीपल एड लगा सकते हैं। मिडरोल एड्स क्या होते हैं, देखो आपको पता होगा कि वीडियो के बीच बीच में आपको एड्स आते हैं, वो मिडरोल एड होते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हो जाती है यूट्यूबर्स को। ओके, तो आप जो है ये कर सकते हैं और आपको अर्निंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यूट्यूब पर जो है ना $1 व्यूज़ पर बनेगा। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो कम भी बन सकता है आपका, उससे ज़्यादा भी बन सकता है, ये डिपेंड करता है आपके RPM पर। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपका RPM अच्छा इंक्रीज हुआ तो आपके जो अर्निंग भी इंक्रीज होगी, यदि डाउन हुआ तो आपकी अर्निंग भी डाउन होगी। अगर लिमिटेड ऐड है तो आपकी अर्निंग बहुत ही डाउन हो जाएगी, यदि आपकी उस पर अनेबल ही नहीं होता है तो आपको कुछ अर्निंग नहीं होगी। ओके, तो ये खेल होता है इसका एड्स का। तो यूट्यूब पर ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ी अर्निंग हो रही है आपको भाई, देखो यूट्यूब पर वैसे ऐसे नहीं आप अर्निंग भी नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है।
आप अर्निंग कर सकते हैं, काफी तरीके हैं यूट्यूब पर अर्निंग करने के। आप एफिलिएट से कर सकते हैं, रेफर एंड अर्न करके कुछ एप्लीकेशन का, यदि आप टेक चैनल है तो आप रेफर करोगे तो आपके उससे ज्वाइनिंग करेंगे तो उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। स्पॉन्सर से अर्निंग कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप ले सकते हो तो उससे काफी ज्यादा अर्निंग आपको हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से आप जो है बहुत तरीके हैं यूट्यूब पर अर्निंग करने के ऐसे तो। लेकिन जो गूगल के जो यूट्यूब के ऑफिशियली अर्निंग होती है वो ये इस तरीके से होती है और ये आरपीएम के ऊपर डिपेंड करती है। तो आई होप अब आपको ये पता चल गया होगा। तो बस फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यार इतना ही था। अगर आपको यूट्यूब से रिलेटेड और वीडियो देखनी है तो मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, यूट्यूब के वीडियोस आप वॉच कर सकते हैं।